अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं कुक विद लिम्रा चैनल। आज हम बना रहे हैं शाही चिकन। जी हाँ, शाही चिकन। तो मैंने ले लिया है एक बाउल और उसमें ऐड कर दिया है 200 ग्राम दही। और अभी मैं इसे अच्छे से डांस करवा देना है। जी हाँ, इसको अच्छे से डांस करवा, देख सकते हैं आप कि डांस दही के साथ साथ बाउल भी कर रहा है। मैंने कहा वाह, मज़ा आ गया देख के। तो भाई, तो खैर मैंने कहा बस बहुत हो गया डांस। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया एक चम्मच, दो चम्मच मैंने ऐड किया धनिया पाउडर, गौर से देखिए। और फिर ऐड कर दिया एक चम्मच मिर्ची पाउडर। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा और ऐड कर दें, फिर लगा तीखा ज़्यादा हो जाएगा। फिर मैंने ऐड कर दिया इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, हसबे जायका नमक, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला। और ये देख सकते हैं आप, सारी चीज़ों को मैंने इस तरह से ऐड कर दिया। अब इसे अच्छे से मिक्सिंग कर देना है। तो दही को लग रहा था कि फिर इसे डांस करना पड़ेगा, तो मैंने कहा हाँ तुम्हें तो फिर से डांस करना पड़ेगा, क्योंकि जिसने अभी गौर से नहीं देखा था वो फिर से देख ले। तो खैर भाई, ये डांस इनका कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने कहा ले लिया चिकन, अच्छे से धुल लिया था, पानी की कंजूसी बिल्कुल भी नहीं की थी मैंने। और ये 700 ग्राम चिकन है, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और कोने कोने में दही और सारे मसाले लगा देने हैं। तो खैर, अगर आप ज़्यादा नज़ाकत पसंद हैं तो बड़ा बर्तन लीजिएगा, और सब मैरिनेट करने के लिए आप स्पून भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया, और याद आया कि इसमें तो मैंने हल्दी क्या बोलते हैं इसको, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड नहीं किया, तो फिर मैंने फिर ऐड किया था। आप देख सकते हैं हाथ धुल चुके थे, इन्हें भैया आराम करने के लिए रख देना है। तो ये आराम कर रहे हैं जब तक, बहुत थक गए हैं डांस करते करते। तो खैर, मैंने ले लिया है तेल, और तेल में मैंने इस तरह से काजू और बादाम को डुबकी लगवा दी और कहा अब तुम्हें तलना होगा और मेरी रेसिपी को और भी ज़्यादा जायकेदार बनाना है। तो खैर, फिर वो लोग का तो काम ख़त्म हो गया, वो लोग निकल गए। और उसके बाद मैंने ले लिया प्याज, मैंने 3 प्याज लिए है 700 ग्राम चिकन के हिसाब से, बड़ी बड़ी थी। और इस तरह से गोल्डन फ्राई होने दिया इसको और निकाल लिया। फिर मैंने दूसरा बैच भी इसी तरह डाल लिया, मैंने कहा जो नहीं देखा दोबारा देख ले। तो फिर मैंने थोड़ी सी प्याज बचा ली और फिर ऐड कर दी दालचीनी और दो तीन छोटी इलायची और 2-3 लौंग, स्टार एसेंस मतलब मसाला फूल। और फिर मैंने ऐड कर दिया इसमें चिकन, मैंने कहा बहुत आराम कर चुके अब चलो काम करो। तो खैर, फिर चिकन ने कहा उफ तेल बहुत गर्म है, क्योंकि दही से वो ठंडे ठंडे दही में से निकला था। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसको 8 मिनट तक कुक करना है फुल फ्लेम पे। तो देख सकते हैं इधर भी खूब अच्छे से डांस वांस हो रहा है, छोटी इलायची भी डांस कर रही है। तो मैंने कहा चलो जब तक इन लोग का डांस चालू है तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। इस तरह से मैंने काजू और बादाम को कट कर लिया था और फिर मिक्सर में पीस लिया। अब मैंने वो दिखाया नहीं, क्योंकि भाई हर जगह कैमरा लिए फिरना बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लगता है। तो बहुत सेट करना पड़ता है, बहुत वो करना पड़ता है, आप एडजस्ट कर लो इसी से। तो भाई, आप इस चिकन की गुड़गुड़ गुड़गुड़ सुन सकते हैं, ये 8 मिनट तक कुक हो चुका। और छोटी इलायची का डांस तो देखिए कितने मज़े का है, उसे तो बड़ा मज़ा आ रहा है शाही चिकन के अंदर आके। तो फिर मैंने इसमें भी और भी ऐड कर दिया, इसमें मैंने कहा लो भाई इसमें प्याज और काजू बादाम के भी पेस्ट आ गए, तुम और मज़े ले लो। तो फिर हमें फ्लेम को कर देना है लो और इसको 8-10 मिनट तक कुक करना है। इसमें मैंने ऐड कर दी है कुटी हुई काली मिर्च, मैंने आधा चम्मच ऐड कर दी है, और 3 मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी है। हमें लग रहा था कि तीखा कम होगा तो इसलिए ऐड कर दिया। और ये ऐड कर दिया मैंने क्रीम। तो भाई, अगर आपके यहाँ दूध आता है 3-4 किलो है, तो घर पे आता है 3 या 4 किलो या 3 किलो में ही मलाई बहुत अच्छी पड़ जाती है, आप उसे मलाई को निकालिए और मिक्सर में पीसिए और उसको ऐड कर सकते हैं। मलाई क्रीम मंगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ऐसी तरह से इस्तेमाल किया है, फिर कहेंगे बताया नहीं। और फिर मैंने हसबे जायका इसमें ऐड कर दिया है नमक, और टेस्ट कर लीजिएगा कि कहीं ज़्यादा और कम ना हो जाए, इसलिए और ऐड कर सकते हैं आप, क्योंकि नमक हम पहले भी ऐड कर चुके हैं। तो ये 8 मिनट कंप्लीट हो चुका है। फिर मैंने इसमें धनिया की पत्ती ऐड की, 2 मिनट इसे और कुक किया। ये देख सकते हैं कितना लजीज दिख रहा है। तो ये हमारा चिकन एकदम रेडी हो गया है, और इसमें मैंने धनिया की पत्ती ऐड कर दी और फ्लेम को कर दिया है ऑफ और
के रख दिया है। तो अगर आपको इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी लग रही है और थिकनेस को कम करना है तो इसमें दूध ऐड करिएगा पानी के बजाय जितनी आपको रखनी है, क्योंकि पानी तो शान के ख़िलाफ़ फैल जाना शाही चिकन में। शुक्र करिए कि मैंने ये नहीं कहा कि आप चिकन को धुलने के टाइम भी दूध इस्तेमाल करिएगा। और ये हमारा शाही चिकन बनके एकदम रेडी है और इसकी ग्रेवी जो है ना इतनी सिल्की और इतनी स्मूथ है कि आप मुंह में घुल जाएगी। तो फिर आप कह रहे होंगे तेल बहुत ज़्यादा है, तेल इसलिए ज़्यादा है कि ये शाही चिकन है, आप ये ना भूलिए। और अगर आपको कम करना है तेल कम करिए या काजू बादाम कम करिए, कौन सा आके मैंने चेक करना है कि आपने कम डाला है या ज़्यादा, और मैंने डंडे लगाने हैं कि कम क्यों डाला, शान के ख़िलाफ़ क्यों काम किया। भाई जो करना हो घर पे करिए, ज़रूर ट्राई करिए इसको और मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और लाइक तो मेरी वीडियोस को ज़रूर कर दिया करिए प्लीज़, और प्यारा सा कमेंट्स भी किया करिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।